जालंधर स्थित देशभगत यादगार हॉल में ट्रेंड्स कंपनी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय जालंधर मेगा एक्सपो ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया है। इस एक्सपो में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स पर भारी छूट और खास ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसके चलते शहरवासी बड़ी संख्या में यहां खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस एग्जीबिशन में घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लाइफस्टाइल, होम डेकोर और अन्य विभिन्न प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। यहाँ आने वाले ग्राहकों को उत्पादों की व्यापक रेंज के साथ साथ किफ़ायती दरों पर भी खरीदारी का मौका मिल रहा है। कई प्रोडक्ट्स पर आकर्षक छूट दी जा रही है, जिससे ग्राहकों में खरीदारी के प्रति उत्साह और भी बढ़ गया है। इस मेगा एक्सपो के जनरल मैनेजर पंकज जैन ने बताया कि इस मेगा एक्सपो का आयोजन जालंधर के लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उनका कहना है कि जालंधर के लोग इस तरह की बड़ी एग्जीबिशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जहां भी एक ही स्थान पर कई प्रकार के उत्पाद खरीद सकते हैं। इस एक्सपो में हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास है, जिससे ये एग्जीबिशन सभी के लिए खास बन जाती है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सारे लोग आज जैसे खड़े हैं देशभगत हॉल के मेन स्टोर वाला मेटल पेल्स पर अच्छे तो होम डेकोर दे वो बढ़िया बढ़िया आइटम्स मिलेंगे, कस्टमाइज मिलेंगे, जो तुझे चाहेंगे मेटल स्टील सब कुछ। बहुत बढ़िया स्टॉल आ तो बहुत बढ़िया एग्जीबिशन है, इतने सारे आ बात तो बात मिलती है अपनी पार्टिसिपेशन को तो जेड़े इतने है उन्होंने हौसला मिला। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी। फर्स्ट एग्जीबिशन है तो मैंने इसमें बस ये फर्स्ट एग्जीबिशन है, मैंने इसमें यही सीखा है कि कैसे हमें किस चीज़ में ज़्यादा सेल होगी। एक्चुअली ये मेरी हैंडमेड आइटम्स हैं, मैं चाहती थी इसको लोग देखें और पहचाने कि हैंडमेड आइटम में कितना ही हमारा हार्डवर्क होता है और लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। क्योंकि हम जब होलसेल में लेते हैं चीज़ें, जब रिटेल में लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है हमें। हमने इसलिए ये सोचा कि इसका रॉ मटेरियल लाके हम इसको अपने हैंडमेड से बनाएँ, ताकि लोगों तक सस्ते से सस्ती चीज़ पहुँचाई जा सके और लोगों को हमारा हार्डवर्क भी दिखाई दे। तो किसी यही मेरी वजह थी कि मैं ये एग्जीबिशन में आऊँ। चाहे मुझे पता है मुझे यहाँ पे कोई मेरे मार्जिन भी नहीं निकला यहाँ का स्टॉल का, लेकिन मुझे एक बहुत कुछ सीखने को मिला है और लोगों तक मैंने अपनी चीज़ों को जो पहचान समझाना था वो समझा सकूँ।